अच्छा तो अब एक चीज बताना, हम लोग जब बात करते हैं सिक्योरिटी का तो मतलब क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? एश्योर होना। ठीक है, एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, क्या हम हमारी सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या कि हमको किसी भी टाइप का मतलब चोरी चकारी इस टाइप का चीज को लेकर डर नहीं होता है, हम सेफ एंड सिक्योर फील करके आराम से सो सकते हैं रात को। क्लियर है? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? अ सेंस ऑफ सिक्योर होना। ठीक है, कि हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल जी टाइप से क्या होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? हमारा फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है भैया? फूड को लेके आप सिक्योर होना कि आपको ये चिंता नहीं करना पड़ेगा कि कल को मेरे को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सुबह को मेरे को खाना मिलेगा मिलेगा नहीं, शाम को मिले ना मिले। ठीक है, मतलब क्या कि आपको फूड के एबिलिटी को लेके, फूड के मतलब उसको आप अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है उसको लेकर। ठीक है, और तीन चीज होता है, मान लो किसी भी चीज को आपको लेना है ना, तो तीन चीज होता है क्या कि उसका अवेबिलिटी, ठीक, फिर क्या होता है उसका एक्सेसिबिलिटी, फिर उसका होता है अफोर्डेबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, आज के टाइम अगर हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर मोर देन 80% जो वुमेन्स है वो सैनिटरी पैड यूज नहीं करती है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? पहला रीजन तो क्या है, अफोर्डेबिलिटी, कि वो लोग इतना महंगा होता है कि जिनका डेली मतलब इतना लो इनकम ग्रुप है कि इतना मतलब वो इतना महंगा पर अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक ना, वो लोग। तो यहाँ पे क्या आता है, अफोर्डेबिलिटी पहला चीज, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सेम चीज होता है अनाज के साथ, फूड के साथ, कि फूड अगर महंगा है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज क्या, एक्सेसिबिलिटी, मान लो कि उनके पास पैसा है, ठीक है, अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन आसपास कोई ऐसा दुकान ही नहीं जहाँ पे सैनिटरी पैड मिल रहा हो, तो खरीद कहाँ से पाएंगे? तो इसका मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट का एक्सेसिबिलिटी भी वहाँ पे होना चाहिए। सेम लाइक अगर मान लो कोई इंसान ट्रैवल एरिया में रह रहा है तो उसको फूड ग्रेन्स कहाँ से मिलेगा, एग्जाम्पल, ठीक है, तो सेम चीज एक्सेसिबिलिटी का। थर्ड चीज क्या होता है, अवेबिलिटी, कि मान लो दुकान भी है, ठीक है, दुकान भी है, उसके पास इंसान पास पैसा भी है, लेकिन जब दुकान खरीदने के लिए जा रहा है तो प्रोडक्ट है ही नहीं, एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का अवेबिलिटी भी होना चाहिए, ठीक। तो सेम चीज यहाँ फूड ग्रेन्स में, कि पीडीएस शॉप में कोई जा रहा है, ठीक, लेने के लिए, अब मान लो वहाँ, ठीक है, पैसे भी है उसके पास और प्लस आसपास लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, और जो उसको अफोर्ड कर सके, ठीक, प्लस वो दुकान भी जहाँ पे मिलता है, लेकिन अल्टीमेट जब वो दुकान में जा रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो मेनली क्या चीज होता है, किसी भी इंसान को जो चीज यूज, ये तीन चीज होना चाहिए, 3A, ठीक। इस 3A का यूज आप लोग मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हो, हेल्थ सिस्टम के लिए हो सकता है, वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, एजुकेशन सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है, कि बच्चों को क्या होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, गुड एजुकेशन के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, अपना एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए बच्चों का, उसके स्कूल हो, ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए। हेल्थ सिस्टम के लिए भी अंदर लिख सकते हो क्या, कि भैया पहला क्या है कि वहाँ पे मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल होना चाहिए, सेकंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल होना चाहिए कि मतलब पूरा से पूरा आदमी एक्सेस कर पाए, जा पाए, जहाँ डिस्टेंस ना हो वहाँ पे, ठीक, अफोर्डेबिलिटी उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। सेम लाइक यहाँ अब समझ में आया कि सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, इसको आप 3A से जोड़ के देख सकते हो। क्लियर है? तो फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू द पीपल ऑल द टाइम, मतलब क्या कि तीनों टाइम आपको 3A हो, ठीक ना, आपको तीनों टाइम मतलब फूड अवेलेबल हो आपके पास, ठीक, तीनों टाइम फूड एक्सेसिबल हो, तीनों टाइम आप अफोर्ड कर सकते हो तीनों को, ठीक है, तो तब आप क्या कहलाओ कि आप फूड सिक्योर हो चुके हो, ठीक। द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी वेयर एज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स, मतलब क्या, देखो जो हमने पॉवर्टी पढ़ा, हमने जब पॉवर्टी पढ़ा तो हमने क्या देखा, क्या हुआ, अच्छा हाँ, तो मैंने जब पॉवर्टी पढ़ा था हमने क्या देखा कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, पॉवर्टी रेट जाने का होने का मतलब क्या है कि वो लोग अपना बेसिक नीड भी पूरा नहीं हो पाते कर पाते, ठीक, तो मतलब उनका इनकम लेवल बहुत कम है। अब नेचुरल से बात है, अगर उनका इनकम लेवल बहुत कम है तो वो जो ग्रुप होगा उनका मतलब फूड इनसिक्योर होगा, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि मतलब मैं फूड अफोर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फ्यूचर में एक्सेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स, जब भी हमारा फूड क्रॉप्स का लेके प्रॉब्लम होता है, एग्जाम्पल इसी मान लो कम फसल हुआ, ठीक ना, मान लो कि फेमाइन आ गया, इसे सूखा पड़ गया, कम फसल हुआ आपका, ठीक है, तो नेचुरल से बात है कि फसल का रेट आगे मतलब फूड क्रॉप्स का रेट ज्यादा होगा। अब फूड क्रॉप का जब रेट ज्यादा होगा तो जो ऑलरेडी मतलब अफोर्ड नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, वो और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो लोग फूड इनसिक्योर हो जाएंगे, उनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं पहले, फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट? हेलो, आप और लेट आओ, ठीक है, तो
तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है क्या कि उनके पास इस बारे में उनको सोचना नहीं कि मैं फूड अफोर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक मेरे पास फूड एक्सेसिबल है कि नहीं है, मैं मतलब अवेलेबल है कि नहीं, मतलब क्या इन सब चीजों को लेकर वो सिक्योर हो जाना कि मेरे को इस सब का चिंता जरूरत नहीं है, मेरे पास तीनों टाइम खाना है, मैं उस खाने को अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब उनका जो फूड का जो नीड है ना उसके बारे में वो एश्योर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, मतलब मिनिमम फूड का नीड हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम लॉन्च किया है। क्या गवर्नमेंट को पता है क्या भैया लास्ट जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में वो हमारा क्या है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है फूड को, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रुप है हमारा क्या है, फूड इनसिक्योर है, फूड को लेकर उनका इनसिक्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब फूड अगर मान लो कोई लोग फूड अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो अलग प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पुअर का पुअर रहेगा, अपना लार्ज इनकम से खर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो बाकी चीजों में खर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसका जो अल्टीमेटली जो लिविंग स्टैंडर्ड है आज हमारे कंट्री का डेवलपमेंट गोल है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड सिक्योरिटी देने के लिए क्या सिस्टम स्टार्ट किया था हमारा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें मेनली क्या होता है, लोगों को सस्ते रेट पे राशन दुकान से अनाज मिलता है, जिससे कि सस्ते रेट पे लोग ले पाए, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मार्केट रेट पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो सिंपल से बात है, अगर मार्केट रेट पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है कि उनका फूड को लेकर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज उनके पास उतना इनकम नहीं कि वो लोग मार्केट रेट पर खरीद सकते, क्लियर है, तो मतलब क्या वो लोग फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उन जैसे लोगों को लेकर क्या किया, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए उन लोगों को सस्ते रेट पे, ठीक है, राशन के शॉप से राशन कार्ड बनवा के उनको सस्ते रेट पे अनाज वगैरह फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर है। तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट एंड एक्शन इज टाइम वेन द सिक्योरिटी थ्रेटन्ड, ठीक ना। तो मेनली क्या होता है, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम है तो मेनली क्या हो रहा है कि लोगों का फूड इनसिक्योर हो गए लोग बहुत सारे, ठीक है, कि मैं इनकम का क्या होगा, मैं फूड कैसे अफोर्ड करूंगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है गवर्नमेंट सामने आके ये सब चीज मैनेज करता है, ठीक। अब क्वेश्चन आया कि भैया ये जो पीडीएस काम कैसे करता है, तो एक रफ आइडिया मैं दे देता हूँ, बाकी चैप्टर में आगे जैसे बनेंगे तो डिटेल बता दूंगा। ये सब थोड़ा मिक्सअप कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे समझना कि अभी सुना है एमएसपी वगैरह सुना है क्या होता है, देखो एक हमारा बॉडी होता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, वो क्या काम करता है फार्मर लोगों से, ठीक है, फूड ग्रेन्स खरीदता है स्पेशली वीट और राइस, ठीक, एक मिनिमम रेट पे इसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी, ठीक है, एमएसपी देके उनसे फूड ग्रेन लेता है, ठीक है, फूड ग्रेन लेने का वो क्या करता है गोडाउन में स्टोर करता है, ठीक, गोडाउन में स्टोर करने का क्या होता है स्टेट को आप उसके नीड के हिसाब से स्टेट को प्रोवाइड करवाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है जब स्टेट को अनाज मिल जाता है फूड ग्रेन, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है अपना पीडीएस शॉप में भेज देता है, फिर क्या करता है पीडीएस शॉप से नॉर्मल इंसान कॉमन में जाके वहां से ले लेता है। समझ में आया सिस्टम काम कैसे करता है। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग, ठीक, बट फूड सिक्योरिटी मींस समथिंग मोर देन गेटिंग टू स्क्वायर ऑफ मील, ठीक है ना, एबिलिटी ऑफ फूड होना चाहिए, प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, अगर मान लो कोई कंट्री अगर मान लो कि खुद के अंदर उसका सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है और किसी और के ऊपर डिपेंड है इंपोर्ट करने के लिए, तो वो कंट्री कभी भी फूड सिक्योर नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमेशा उसको डर लगेगा कि अरे फ्यूचर में मतलब दूसरे कंट्री जिससे मंगा रहे हैं उसने अगर सामान देना बंद कर दिया तो क्या होगा मेरे कंट्री के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि फूड का प्रोडक्शन आपकी कंट्री के अंदर सफिशियंट होना चाहिए, ठीक है, एबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री होना चाहिए, स्टॉक स्टोर इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज, गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए कि कल को अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो गवर्नमेंट डील कर सके, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, सब पर्सन उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है, उसके आसपास के एरिया में मिलता है वो चीज, अफोर्डेबिलिटी मतलब उसके पास इनफ मनी होना चाहिए कि वो सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स बाय कर सके, ठीक, अगर उसके पास मनी नहीं होता तो गवर्नमेंट इसलिए क्या करता है कि उसको कम रेट में प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि जितना मनी है उसके पास उसी से वो अपना न्यूट्रिशनल नीड या फिर जो फूड ग्रेन्स है वो पूरा ले सके। Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary need. The food security is ensured in a country if the food किसी भी country का लोग food in secure country कब बोलेंगे उस country के अंदर food security है, तब enough food is available for all the persons, सब लोगों के लिए enough food है, all persons have the capacity to buy the quality, ठीक ना, तो मेरे सब लोगों के पास क्या पैसे भी है, ये पहला चीज क्या है food होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड क्या सबके पास अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए उसको खरीदने के लिए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग उसको आराम से खरीद सके, कोई बैरियर नहीं होता, मतलब एक्सेस होना चाहिए वहां पे, ठीक है, ऐसा ना हो कि गांव एरिया में कि मतलब कुछ लोगों को बोले नहीं आप इस दुकान से नहीं खा सकते तो उन लोगों के पास तो एक्सेसिबिलिटी नहीं रह पाएगा ना फिर, तो मतलब क्या किसी भी कंट्री को फूड सिक्योर होने के लिए तीन चीज होना चाहिए, क्या कि भैया फूड का अवेलेबिलिटी होना चाहिए वहां पे, दूसरा क्या है अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, इतना रेट होना चाहिए कि लोग उसको खरीद पाए, क्योंकि अगर मान लो कि खरीद ही नहीं पाएंगे तो फिर होने का फायदा ही क्या होने या ना होने का, थर्ड क्या है कि लोग उसको आराम से खरीद पाए बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के बिना किसी बैरियर के, क्लियर है। अब फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है,
तो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर, जिससे मैंने बताया कि उनके पास इनकम नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाइल पर्सन ऑफ द पॉवर्टी लाइन ऑल्सो फेस फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री. अब देखिए क्या होता है, मैंने क्या बताया, ये मेनली जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो होते हैं वो लोग, वो मेनली मतलब फील करते हैं ठीक है फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि उनके पास इनफ मनी नहीं होता है अपना बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए. लेकिन बहुत बार टाइम क्या होता है कि जो लोग हल्का फुल्का ऊपर है ना पॉवर्टी लाइन के, ठीक, तो क्या जैसे एग्जाम्पल लॉकडाउन के टाइम में क्या था, जो लोग अपना नीड पूरा कर पाए थे छोटा मोटा जॉब करके, वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं थे ठीक है. लेकिन क्या हुआ, क्योंकि अब उनका काम बंद हो गया तो वो लोग भी कहना कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुके हैं. इसलिए बहुत सारा डेटा भी शो कर रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर पॉवर्टी बहुत बढ़ रहा है, मतलब इस पेंडेमिक के वजह पॉवर्टी बढ़ेगा या फिर बढ़ चुका है ठीक है. तो इसलिए क्या है कि अगर आपको कंट्री से पॉवर्टी रिड्यूस करना है तो आपको लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्लियर है. तो पॉवर्टी इरेडिकेशन इज एसेंशियल टू इम्प्रूव एक्सेस टू फूड, क्लियर है. ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी से ड्रॉट टोटली इतना, तो इससे मैं वही मैंने बताया ना कि नॉर्मली क्या होता है कि फूड का शॉर्टेज हो जाता है जिससे प्राइस राइज करता है ठीक है. अब प्राइस राइज करेगा तो सब लोग तो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट को इसलिए चाहिए गवर्नमेंट स्टॉक अपना जमा करके रखे, जिससे कि कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमारा शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है तो गवर्नमेंट अपने गोडाउन से रिलीज करें और लोगों को जिसके कि मतलब जो पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी है उनको वो अफोर्ड कर पाए, क्लियर. एफएमआई क्या होता है, सूखा पड़ना, बहुत सारा रीजन होता है. एग्जाम्पल से मान लिया जाए कोई बीमारी फैल गया तो तब प्रोडक्शन हमारा हार्म करेगा तो तब सूखा पड़ जाएगा ठीक है. और जब मान लो कि फसल नहीं हुआ, बारिश कम हुआ तो उस टाइम पे सूखा पड़ जाता है. एफएमआई इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटेनमेंट वाटर जो भी ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जब सब इंडिया के अंदर सबसे भयानक वाला जो एफएमआई आया था वो आता है बंगाल के अंदर, जिसने लगभग 30 लाख पीपल को किल कर दिया 1943 के अंदर. यहाँ तक समझ में आया कि आप जो कहा ना कि पॉवर्टी मतलब फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, फूड सिक्योरिटी कब होगा. ठीक है सर, इवन टुडे दे, अब मैंने क्या बताया था एग्जांपल पॉवर्टी का चैप्टर जब हमने पढ़ाया था वहां मैंने बताया था ना कि इंडिया के अंदर क्या कि पॉवर्टी जो ऐसा नहीं कि नेशनल लेवल पे 27% है तो हर स्टेट में 27% होगा. तो बहुत सारे स्टेट ऐसा होता है जहाँ पे 2 या 3% पॉवर्टी है ठीक है. अब बहुत सारे स्टेट ऐसा है जहाँ पे 40% पॉवर्टी भी है. तो हमने क्या देखा था कि खासकर बिहार और उड़ीसा दो सबसे पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पे पॉवर्टी रेट सबसे ज्यादा हाई है ठीक है. आज के टाइम में क्या है, प्लेसेस लाइक कालाहांडी एंड काशीपुर उड़ीसा वेयर फेमाइन लाइक कंडीशन. तो अब मैं तो मैंने उड़ीसा के अंदर भी क्या है कि मैंने कालाहांडी का एग्जांपल भी दिया था कि इतना ज्यादा पॉवर्टी वहां पर है कि मतलब लोग अपने न्यू बॉर्न बेबी तक को भेज देते हैं तो अफोर्ड फूड ठीक है. फेमाइन लाइक कंडीशन हैव बीन एग्जिस्टिंग, यहाँ पे स्टार्वेशन डेथ का इशू है. फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम. तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कंट्री के अंदर फूड इनफ फूड प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे कि तीनों टाइम का नीड लोगों का पूरा हो सके. अब कौन लोग फूड इनसिक्योर होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन, कौन पुअर हो गए ठीक है, वो लोग मेनली. ऑल द लास्ट सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया. द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल. क्योंकि लैंडलेस पीपल का क्या है कि देखो कोई इंसान लैंडलेस है तो मतलब क्या, उसका टोटल चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी के खेत में जाकर मजदूरी कर रहा है ठीक है, या फिर कहीं पर मजदूरी, कोई लेबर क्लास है, जो लेबर है तो उसका कहीं ना कहीं मतलब एक टाइप से इनकम किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेली के ऊपर, डेली बेसिस पे जो काम करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब मान लो ऐसा सिचुएशन आ गया लॉकडाउन का टाइम का जहाँ पर उसका डेली काम बंद हो गया तो पर्सन फूड इनसिक्योर हो गया. समझ में आया चीज, हेलो ठीक है. ट्रेडिशनल आर्टिशंस, अब मान लो ट्रेडिशनल कोई मतलब गांव के एरिया में क्या है कि मेनली मान लो कोई है कुम्हार, एग्जाम्पल मटका बनाता है ठीक, एग्जाम्पल ठीक. अब मान लो पेंडेमिक का टाइम आया तो सब अपना घर में बंद है तो उसका डिमांड अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका डिमांड तो मार्केट में कम हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं उससे, तो अल्टीमेटली वो भी तो फिर फूड इनसिक्योर हो जाएगा ना. जब उसका सामान ही नहीं बिकेगा तो उसका इनकम कहाँ से आएगा, इनकम ही नहीं आएगा तो फिर वो अफोर्ड कैसे करेगा बाकी चीजों को, क्लियर है. ट्रेडिशनल सर्विस एम्प्लॉयज एग्जाम्पल बैगर्स वगैरह, वो क्या पूछो. हाँ मैंने ये बोला कि मान लिया जाए कोई लेबर है ठीक है, उसका मेनली सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या वो जो फूड खरीदता है एग्जाम्पल वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका डेली बेसिस पे जो काम मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है. लेकिन अगर मान लिया जाए बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और किसी सिचुएशन के कारण मान लो कि लॉकडाउन लगे एग्जाम्पल ठीक है, और उसको काम डेली मिल नहीं रहा है ठीक है, अब क्या होगा कि वो काम नहीं मिल रहा है तो उसका इनकम भी बंद है, इनकम बंद है तो वो हो गया फूड इनसिक्योर. अब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गवर्नमेंट अगर देगा तो हमारा वो खा पाएगा, वरना फिर पता नहीं क्या करेगा, क्लियर है. तो इस टाइप के जो पीपल होते हैं जो
एंडलेस पीपल होते हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं होता है, ट्रेडिशनल आर्टिशन होते हैं, ठीक ना, तो वो सब क्या होता है ज्यादा मतलब बेगर्स हो गए, ठीक है, विडो हो गई, ठीक है, तो या घर के अंदर देखा जाए तो फीमेल हो गए, क्योंकि एग्जाम्पल घर के अंदर फूड ग्रेन्स कम आ रहा है, तो क्योंकि हमारा सोसाइटी पैट्रियार्कल है, और तो इसलिए क्या होता है कि प्रेफरेंस दिया जाता है मेल चाइल्ड को, तो फीमेल का मतलब विद इन द फैमिली फीमेल को भी वो चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब जो मतलब ग्रुप है वो ज्यादा मतलब फूड इनसिक्योर से ज्यादा मतलब एक टाइप से ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट करता है इन लोगों को। अब देखो आगे, हाँ, द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर टाइम में भी ऐसा होता है, हु हैव टू मिटी माइग्रेट टू अदर एरिया इन सच वर्क, जो कि माइग्रेट मतलब मान लीजिए जो बिहार का एग्जांपल, ठीक है, वो गया मान लिया जाए दिल्ली के अंदर काम करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं दिल्ली के अंदर कोई बैठा हुआ कि आओ भैया आपको हम अच्छा जॉब देते हैं, तो मेनली क्या होता है कि उसको भी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, सफिशियंट इनकम नहीं मिलता है उस चीज का, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है, तो नेचुरल सी बात है कि लास्ट में क्या होता है वो भी कहीं ना कहीं फिर नियर टू पॉवर्टी के मतलब आसपास जीना पड़ता है उसको भी। तो पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल इन द वर्क और ऑल्सो अमॉन्ग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली बात देखो राशन कार्ड उसका कहाँ पर है, क्योंकि हमारे इंडिया के रूल क्या है कि भैया जो जहाँ पर रहेगा राशन कार्ड का वहाँ बनेगा एड्रेस वहाँ पर, ठीक है, जैसे जो बंदा मान लो माइग्रेट होकर चला गया, एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल दिया था ना कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक, कि मान लो कि फीमेल एग्रीकल्चर संभाल रही है, ठीक है, मेल चला गया सिटी में, अब इसका राशन कार्ड तो यहाँ बना हुआ है तो ये सस्ते रुपये तो ये लोग आराम से राशन उठा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पति गया है वो तो 25-30 रुपये उसको खरीदना पड़ेगा ना वहाँ पे आटा वगैरह, लेकिन ये तो 2-3 रुपये में उठा सकती है, लेकिन यहाँ पे तो उसको 25-30 रुपये में खरीदना पड़ेगा, मतलब क्या उसका इनकम का एक लार्ज पोर्शन चले जा रहा है कि इसमें फूड के ऊपर ही चले पा रहा है, ठीक है, चले जा रहा है। तो वो भी क्या होता है अगर मान लो किसी दिन उसका इनकम हुआ, ठीक है, वरना जो भी चीज़ हुआ जैसे लॉकडाउन लग गया, मान लो डिमांड कम हो गया, ठीक है, या फिर काम बंद हो गया, तो नेचुरल से बात उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो क्या खाएगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो उसमें इनकम है तो 2-3 रुपये में जाकर खरीद लिया उसने। अब मान लो गवर्नमेंट ने आज के डेट में ये बोला कि भैया ठीक है जिनके पास राशन कार्ड होल्डर है उसको मैं 10 kg अनाज देता हूँ, ठीक है, तो राशन कार्ड तो इसके पास है, इसको मिल जाएगा, बट इसका क्या, समझ में आया चीज? हेलो, तो अभी हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लाया है वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, लेकिन वो अभी उतना मतलब ये भी इम्प्लीमेंटेशन होता है अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, अभी क्योंकि स्टार्टिंग में वो अभी हाल ही फिलहाल में लाया गवर्नमेंट ने, तो उसमें ये प्रोविजन है ना कि मान लिया कोई इंसान मार्केट को जाता है दूसरी जगह ना, तो 50% जो कोटा अनाज होता है ना वो दूसरी जगह पे जाके ले सकता है, ठीक। तो पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर हु हैव टू मिटिगेट टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क और ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल अ हाई कोइंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल अमंग वुमेन, क्योंकि मैंने बताया क्या घर के अंदर क्या होता है जो भी सफिशियंट फूड होता है, ठीक है, और दूसरा बात है न्यूट्रिशियस फूड होता है, सभी फूड हुआ तो उसके ऊपर क्या होता है सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है मेल चाइल्ड को, ठीक, इसलिए क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन में ज्यादा शिकार फीमेल में देखा जाता है। देयर इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि जो अगर माँ ही अनहेल्दी रहेगी तो फिर बेबी भी अनहेल्दी रहेगा। फूड इनसिक्योर पीपल आर डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज इन सम रीजन ऑफ द कंट्री, मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं कि पॉवर्टी हमारे कंट्री में यूनिफॉर्म है, वो क्या बहुत ही अनइवन है, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा है किसी स्टेट में बहुत कम है, ठीक है, उसी टाइप से क्या है कि फूड इनसिक्योरिटी भी क्या है किसी स्टेट में बहुत कम है। इस एग्जाम्पल ले लिया जाए पंजाब हरियाणा, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वीट राइस प्रोड्यूस होता है, वीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए क्या है कि उसके पास सफिशियंट खुद का चीज को पूरा करने के लिए है, ठीक है, लेकिन वही नॉर्थ ईस्ट का एरिया ले लिया जाए तो वहाँ पे क्या कि सफिशियंट एग्रीकल्चर वहाँ नहीं हो पाता, राजस्थान ले लिया जाता है सफिशियंट एग्रीकल्चर वहाँ नहीं हो पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं बाहर दूसरे स्टेट से फिर मंगवाता है या दूसरे स्टेट से वहाँ भेजा जाता है सामान को, क्लियर है। तो वही फूड इनसिक्योर पीपल आर लार्ज इन सम ए रीजन ऑफ द कंट्री सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड का स्टेट्स जहाँ पे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पे विथ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ट्राइबल एंड रिमोट एरिया रीजन मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर ज्यादा होता है वो चीज भी ज्यादा इफेक्ट करता है वहाँ पे। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी, अब मैंने क्या बताया देखो हंगर को, हंगर भी एक टाइप फूड इनसिक्योरिटी के अंदर में आता है हंगर, और मैंने क्या बताया हंगर का मतलब क्या होता है कि एक टाइप से सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ फूड का ना मिल पाना, ठीक है। अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर, ठीक है, एग्जाम्पल हंगर क्या होता है सिंपल से बात है भूख, ठीक, तो सिंपल से बात है अगर इंसान को भूख लग रहा है इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं उसके पास अगर भूखा फील कर रहा है तो इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं उसके पास फूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मतलब फूड होता है तो भूखा फील नहीं करता, भूख लगता खा लेता जाके, ठीक है, तो नेचुरल सा बात है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है उसको प्रेजेंट जो टाइम में जो हंगर वो फील कर रहा है उससे मुक्ति दिलाना और फ्यूचर में हंगर फील ना करे इस बात का भी एश्योर करवाना, क्लियर है ये चीज। हेलो जी, ठीक है, तो पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक
ऑफ देयर लो इनकम लेवल एंड टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल. तो पुअर पीपल पास सफिशियंट इनकम नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि वो लोग बहुत ही लो इनकम ग्रुप है, इसलिए क्या होता है वो सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ फूड नहीं खरीद सकते, इसलिए वो लोग हंगर मतलब उनमें ज्यादा पाया जाता है. ठीक है, सीजनल हंगर कौन होता है, एग्जाम्पल फार्मर ग्रुप ले लिया जाए एग्जाम्पल. ठीक है, तो साल भर उनके पास सफिशियंट काम होता है, तो मान लो कि लैंडलेस लेबर हो गया, साल भर काम है उनके पास, तो मेनली वो काम डेली करते हैं खाते हैं, लेकिन मान लो रेनी सीजन आ गया कभी, ठीक है, बरसात का मौसम आ गया तो काम तो मिलेगा नहीं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है वो लोग सीजनल हंगर कहलाएंगे. क्लियर है ये चीज, सीजनल हंगर का मतलब. एक होता है क्रॉनिक हंगर, क्रॉनिक हंगर, क्रॉनिक हंगर क्या हो, जैसे मैंने बताया कि पुअर पीपल जो कि हमेशा पुअर है, ठीक है, एग्जाम्पल वो अफोर्ड मतलब उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो क्रॉनिक पुअर हो गया. लेकिन सीजनल पुअर क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर सीजन में अफोर्ड नहीं कर पाएगा. ठीक है, क्लियर ये चीज, ठीक है. सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरिया बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर. इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन्स इज इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम से ही क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास सफिशियंट फूड क्रॉप नहीं था. ठीक है, सफिशियंट फूड क्रॉप हम लोग अपना जरूरत के हिसाब से प्रोड्यूस नहीं कर पाया था, इसलिए क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे कि भैया वो लोग हमको कुछ देगा, ठीक है, तो हमारा फूड हो पाएगा. तो मेनली क्या होता है कि यूएसए से क्या होता था, यूएसए से एक टाइप से वो लोग का एक स्कीम था यूएसए का, उसका नाम था PL 480. ये हम लोग क्लास 11 में दिया हुआ है इसी वैसे 480. उस स्कीम में तो वो लोग क्या करता था कि जो डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप कंट्री हुआ ना, वहाँ पे वो लोग मतलब एक तरह से राशन वगैरह या फिर चावल वगैरह देता था, गेहूं वगैरह देता था. ठीक है, तो इंडिया को भी यहाँ से मिलता था. ठीक है, लेकिन इसलिए फिर प्रॉब्लम क्या होता था कि अब देखो कोई कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री के ऊपर, तो मेनली क्या होता है कि वहां से कुछ ले रहे तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं फिर हमारे पॉलिसीज को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देता है वो कंट्री, तो उसका मतलब एक टाइप से क्या होता है कि टांग अड़ाना स्टार्ट कर देता है हमारे पॉलिसीज के अंदर. तो इसलिए क्या था कि हमारे माइंड में क्लियर था कि अरे जब तक हम सेल्फ डिपेंडेंट फूड के अंदर नहीं होंगे तब तक हम दूसरे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और हम लोग अपने फ्री होकर डिसीजन नहीं ले पाएंगे. ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि हमारे शास्त्री जी के टाइम टाइम जो आता है ना हमारा, तो मेनली क्या होता है जब लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि उनको पता होता है कि भैया उस समय जो वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो मेनली क्या होता है क्योंकि हम यूएसए से सब कुछ ले रहे होते हैं चावल वगैरह, तो इसलिए क्या करता है यूएसए प्रेशराइज करता है इंडिया को कि भैया आप वॉर वगैरह जो आप कर रहे हो उसको रोक दो और ये सब कर लो, पीस कर लो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि हम उससे अनाज ले डिपेंडेंट हो रहे हैं उसके ऊपर, अगर मान लिया कि उसने बंद कर दिया मना कर दिया तो हम क्या करेंगे अपने कंट्री के अंदर. तो उनको पता था कि भैया उस समय तो प्रेशराइज हो गया, लेकिन बाद में उनको पता था कि नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला, इसलिए लॉन्ग टर्म के बारे में उन्होंने सोचा क्या कि एग्रीकल्चर के ऊपर एक पॉलिसीज बनाया जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो उन्होंने दो प्रॉब्लम किया कि भैया देखो एक चीज तो क्या कि हमको प्रेजेंट में इस क्राइसिस से मतलब निपटना है. ठीक है, प्रेजेंट में क्या कि मेरे पास सप्लाई कम है फूड ग्रेन्स का, ठीक है, और डिमांड ज्यादा है. ठीक, तो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने क्या पब्लिकली लोगों से अपील किया कि आप हफ्ता में एक दिन आके उपवास रखिए. ठीक है, जिससे क्या हो कि अल्टीमेटली थोड़ा डिमांड कम हो और थोड़ा मोड़ा फूड अफोर्डेबल या फिर फूड का कमी को शॉर्ट किया जाए. क्लियर है, जो सिंपल सा बात है ना कि अगर मान लो कि आपके पास कम खाना है तो बात है कि आप एक दिन भूखे रह लेते हो तो आप बाकी दिन अच्छे से खा पाओगे या फिर. क्लियर है, और दूसरा चीज क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया जिसके बारे में ऑलरेडी देख चुका था. ठीक है, कि भैया क्या हाइब्रिड सीड लाओ, ठीक ना, जिसका कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, फर्टिलाइजर पुट करो, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम लगाओ जिससे कि अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी हो. तो फाइनली ग्रीन रिवॉल्यूशन कारण क्या है कि आज के टाइम में उसके बाद क्या हुआ कि हमारा फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा और आज के टाइम में हम जो बेसिक सेरल्स होता है ना, एग्जाम्पल लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक, इन सब चीजों में हम क्या है कि सेल्फ सफिशियंट बन चुके हैं. ठीक, हमारे को किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ता, प्लस हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. ठीक है, तो कैसे ने हम लोग को इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बना दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. इंडिया थोड़ा रिसर्च किया, दूसरा बात क्या कि दूसरे कंट्रीज एग्जांपल एक फिलीपींस के अंदर क्या है ना इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है, ठीक ना, उसने हाइब्रिड राइस बनाया था, तो इंडिया ने फिर वहां से बाय किया स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर, तो बाद में फिर उसने रिसर्च वगैरह पर काम करना किया, तो अब फिर हमारे रिसर्च ने किया. ठीक है, तो क्लियर है, तो इंडिया क्या है, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक, इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर व्हिच रिजल्टेड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस. ठीक, मैंने ऑलरेडी बता दिया न्यू स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट किया अपना सेल्फ सफिशियंट होने के लिए. द इंक्रीज इन फूड ग्रेन वॉज हाउ एवर मतलब मैंने क्या बताया कि जो स्टेट के पास जो स्टेट के अंदर फार्मर्स के पास सफिशियंट कैपिटल था, ठीक है, सफिशियंट लैंड था, उन्होंने इस पॉलिसी को अडॉप्ट.
लेकिन जिनके पास नहीं था वो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए। ठीक, तो मेनली क्या था कि किन किन लोगों ने अडॉप्ट किया, मान लो कि मैंने बताया था पिछले क्लास के अंदर भी क्या, स्पेशली पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, वेस्टर्न यूपी के किसान। तो यहाँ पे क्या कि इन लोगों ने फार्मर्स ने क्या किया कि उनके पास कैपिटल था तो इन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा जो है इन सारे स्टेट्स में लिमिटेड रह गया, बाकी सब स्टेट्स में उतना ज्यादा नहीं फैला। ठीक है, इसलिए ये यहाँ के फार्मर्स कंपेरेटिवली रिच है एज कम्पेयर टू बाकी अदर स्टेट्स के फार्मर के। द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वॉज हाउएवर इतना, द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हर साल चेंज होता रहता है डेटा, वो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे देखना पड़ेगा। बस मेन चीज वही है कि उसका जो फायदा था वो कुछ स्टेट तक लिमिटेड रहा, मेरा कुछ स्टेट तक लिमिटेड रहा और कुछ क्रॉप तक लिमिटेड रहा। ठीक है, स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और क्रॉप लाइक वीट एंड राइस। ठीक है, तो इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फायदा है ये कुछ स्टेट तक लिमिटेड रहा और कुछ क्रॉप तक लिमिटेड रहा। ठीक, सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द अर्ली 70s द कंट्री हैज अवॉइडेड फेमाइन। मतलब क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से हमारे कंट्री के अंदर कोई बड़ा सूखा नहीं आया। ठीक है, सफिशियंट फूड ग्रेन्स हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ होता है, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कम प्रोडक्शन हुआ हमारा तो वहां से रिलीज कर दिया जाता है जिससे कि हमारा डिमांड को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद हमारे कंट्री में कोई भी मतलब सूखा नहीं पड़ा। हमने क्या कहा, कंट्री हैज अवॉइडेड इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन, कंट्री हैज बिकम सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 years बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। ठीक, हमने अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, ठीक, ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू अडॉप्ट किया, न्यू मेथड्स लाया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, हमारा अल्टीमेटली फूड क्रॉप के मामले मैक्सिमम क्रॉप में हम लोग क्या सेल्फ सफिशियंट है आज के टाइम। तो देखो ये एग्जाम्पल ले लिया किसका है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन का बात किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर देखो 60s के अंदर कितना था, 80 था, लेकिन देखो 10 साल में कितना बढ़ा दिया, लगभग 88 बढ़ाया 10 साल में, 28 बढ़ाया। फिर अगले 10 साल में कितना बढ़ाया हमने, लगभग 26 बढ़ाया। फिर अगले 10 साल में कितना बढ़ाया, अप्रोक्स इसको मान सकते हो क्या 46। हाँ, तो ऐसे 20 ऐसे करके हमने बढ़ाया। तो मेरे लिए क्या हुआ कि देखो वहां जहाँ 80 था तो वहां पे अल्टीमेटली होते होते आज के टाइम में क्या हुआ, 2000 इतना हम लोग कर रहे हैं, 300 के आसपास हो चुका है आजकल। ठीक है, तो देख लो कितना ये ग्राफ कितना हाई उठा ग्रीन रोशन के बाद। ठीक, क्या हुआ कि 10-40 साल के अंदर ही हम लोग कितना, लगभग 4 गुना हमारा प्रोडक्शन हो गया। क्लियर है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या मतलब, मैंने क्या होता है, पॉवर्टी हमारे कंट्री में से सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाया, कुछ स्टेप्स लिया जिसके थ्रू की लोगों को मतलब सस्ते रेट पे एग्जांपल वो लोग अफोर्ड कर पाए फूड ग्रेन्स को और उनको फूड सिक्योरिटी मिल पाए। ठीक है, अच्छा, तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट क्या, अब देखो मैंने क्या बताया, फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करवाता है, एक चीज होता है क्या कि वो पहला बात तो क्या कि सफिशियंट स्टॉक में रखे, बिकॉज जब आपका कम प्रोडक्शन हो रहा है तो वो अपना रिलीज कर सके मार्केट के अंदर, जिससे कि लोगों को मतलब मार्केट के अंदर जो फूड ग्रेन्स उसका कमी ना हो। ठीक है, तो जैसे हमने क्या देखा, एफसीआई क्या काम करता है कि फार्मर से एमएसपी पे ले लिया। ठीक, लेके क्या करता है, गोडाउन में भरता है। ठीक है, गोडाउन में रखने के बाद क्या होता है, जरूरत के हिसाब से हर स्टेट को सप्लाई करता है, फिर वो स्टेट अपने पीडीएस शॉप के अंदर लोगों को दे देता है। ठीक, तो इन सारे सिचुएशन, इन सारे सिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सफिशियंट स्टॉक रखना। ठीक, और सेकेंड चीज क्या है कि मेरा पीडीएस सिस्टम को बनाना। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट, बफर स्टॉक बनाना। ठीक है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना। बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली वीट एंड राइस प्रोक्योर बाय द गवर्नमेंट थ्रू द एफसीआई। ठीक ना, तो मेनली क्या होता है, वही खरीद एफसीआई गवर्नमेंट क्या करता है, अपना एक गवर्नमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है या फिर एक एजेंसी होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या करता है, उसके थ्रू मतलब किसानों से अपना अनाज वगैरह खरीद के, ठीक है, वो गोडाउन में स्टोर करता है और फिर टाइम के हिसाब से जरूरत जितना जरूरत होता है स्टेट्स को प्रोवाइड करवाता है अपने राशन कार्ड के थ्रू, मतलब राशन शॉप के थ्रू लोगों को देने के लिए। ठीक है, तो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली वीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द एफसीआई। द एफसीआई परचेजेस वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। अब जिस स्टेट में क्या होता है सरप्लस, मान लो वीट प्रोडक्शन हुआ, तो एफसीआई क्या करेगा, वहां से खरीदेगा, और जहां पे मान लो कम वीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पे सप्लाई करेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अब क्या होता है, जो जिस राइट पे वो खरीदेगा ना एफसीआई फार्मर से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, एमएसपी। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर द क्रॉप, दिस प्राइस इज कॉल्ड एमएसपी। क्लियर है,
लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि सब चीज सब प्रोडक्ट में नहीं होता और सब फार्मर्स को नहीं मिलता है, ठीक है। एफसीआई जिनसे खरीदेगा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। एमएसपी इज डिक्लेयर, एमएसपी कौन डिसाइड करता है? एमएसपी इज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन। मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि पता है कि ये एक सीजन स्टार्ट होने वाला है एग्रीकल्चर के अंदर, तीन सीजन होता है, कौन कौन सा? खरीफ, राबी और जियाद। अब क्या होता है समझो, इधर इसको ऐसे याद रख सकते हो, याद रखने प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत सारा, इसको याद रखना क्या रेन कहां, ठीक है, रेन कहां रहेगा जाता, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे याद रखना कि क्या खरीफ है ना, रेन कहां रहेगा ज्यादा, ठीक है, रेन कहां रहेगा ज्यादा, रेन रेन जब रेन का मौसम आएगा तो उस समय क्या खरीफ होगा, मतलब क्या कि जुलाई से जो स्टार्ट होता है बरसात, ठीक है, जुलाई के बाद में क्या खरीफ स्टार्ट होगा, तो रेन के बाद खरीफ रहेगा का रबी क्रॉप, फिर जायद इसमें हो जाता है। जायद क्या होता है, मिलियो समर सीजन में दो हार्डली जो छोटा मोटा मतलब फूड सब्जी टाइप का होता है ना, वो सब का होता है, स्मॉल सीजन होता है, तो मिली, ठीक है, ये विंटर क्रॉप हो गया, ये रेनी क्रॉप हो गया, ये समर क्रॉप हो गया, क्लियर है। तो मेनली क्या होता है यहाँ पर, गवर्नमेंट क्या करता है, जैसे मान लो खरीफ सीजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगा, बताएगा भैया एमएसपी में इस क्रॉप का एमएसपी इतना फिक्स करता हूँ, मतलब क्या कि भैया अगर मिनिमम मैं आपको इस रेट पर खरीदूंगा आपसे अनाज, ठीक है। अब क्या है, फार्मर्स को पता चल गया कि भैया एमएसपी, अब इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन को किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन को मैनेज कर सकता है कंट्री के अंदर। कैसे, अगर मान लो आज के रेट में किसी क्रॉप का मान लो एमएसपी 100 रुपए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 120 कर दिया, सिंपल चाहते फार्मर्स क्या लगेगा, अरे इसका एमएसपी बढ़ गया, इसका मतलब क्या इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, तो फार्मर्स क्या करेगा, इस क्रॉप को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा लगाएगा, क्लियर है। इसके थ्रू क्या होगा, इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली तो फार्मर से कुछ नहीं बोला कि आप प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इनडायरेक्टली अपना पॉलिसीज के थ्रू क्या किया गवर्नमेंट ने, उस चीज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया कंट्री के अंदर, क्लियर है ये चीज। हेलो, ठीक है, तो एमएसपी कब क्लियर होता है, सोइंग सीजन के पहले, ठीक है। तो गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप, ठीक है। गवर्नमेंट अगर इंसेंटिव प्रोवाइड करवाता है कि एमएसपी अगर हाई करते हैं उस चीज का, तो किसान लोग उस चीज को ज्यादा उगाएगा, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आज इस साल क्या है कि मान लिया जाए कि दाल का मतलब मान लो कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो क्यों बढ़ा दाल का रेट, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के अंदर सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि नहीं अगर सप्लाई मेरे को बढ़ाना है, दाल का रेट कम करवाना है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली सब फार्मर्स को बोल ही सकता है भैया आप दाल प्रोडक्शन बढ़ाओ, ऐसा तो बोल नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या करेगा, दाल के ऊपर जो एमएसपी है उसको बढ़ा देगा, तो इससे क्या होगा कि अगली बार बाकी सब फार्मर्स जो है कि जो और कुछ उगा लेते हैं उनको क्या लगेगा भैया दाल का एमएसपी बढ़ गया, दाल में ज्यादा फायदा, इसलिए सब लोग क्या करेंगे, अब मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है ना, वो क्या करेंगे दाल उगाएंगे ज्यादा, तो नेचुरल से बात है मार्केट के अंदर क्या होगा कि दाल का सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस गिरेगा, कंज्यूमर को भी फायदा हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसा क्या करता है, गवर्नमेंट मैनेज करता है प्रोडक्शन को कंट्री के अंदर, मतलब ये याद रखना कि इससे इनडायरेक्ट वे। नहीं देखो डिपेंड करता है, देखो क्या चीज होता है स्टॉक में मेन क्या होता है, अब महंगा अनाज महंगा होगा सस्ता होगा डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर कितना अवेलेबिलिटी है, ठीक ना, मार्केट के अंदर कितना उस चीज का सप्लाई है और कितना डिमांड है, ठीक है। अब ये जो अनाज है वो मार्केट के अंदर ही सर्राया रखा हुआ है, वो स्टॉक में रखा हुआ है, अगर स्टॉक से मान लो ज्यादा अनाज रिलीज होगा, ठीक, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा तो उसका प्राइस डाउन होगा, मार्केट में स्टॉक से कम रिलीज होगा तो क्या होगा कि अगर वर्टी भाव होगी प्राइस राइज होगा, ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है, अरे जिसका होगा मैं आवाज कम कर दूंगा, मैं कर दूंगा, हो जाता है कभी, हाँ हाँ उसका पैसा कहाँ से आता है, मैं कोई भी खरीद सकता है, मैंने क्या बोला एमएसपी आज के टाइम सिर्फ 6% फार्मर्स को मिलता है, ठीक है, डेटा के अंदर अकॉर्डिंग, मतलब क्या अपने नीड के हिसाब से खरीदता है, ऐसा थोड़ी कि सब सब खरीद लेगा, जितना उसका एक लिमिटेशन होगा, जितना स्टॉक का लिमिट होगा उस हिसाब से खरीदेगा ना। हाँ बेच सकता है अपना, मतलब बहुत सारा वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, अभी खाली एफसीआई पे ध्यान, एफसीआई काम क्या है, एबीसीडी कर लेते हैं, बाद में पीसी कर लेते हैं, बोलो। मतलब समझ में नहीं आया क्या पूछा,
दूर रख के पूछना ना, वो एफसीआई का नहीं होता है। एफसीआई का मेन काम ये होता है वो खरीद के स्टॉक करना, और स्टेट को मतलब पीटीएस, पीडीएस सिस्टम जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको चलाने में मेन रोल होता है एफसीआई का। ठीक है, जो फॉरेन हम लोग भेजते हैं ना वो उसके लिए फिर डिफरेंट एजेंसी होता है, एपडा करके होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए वो अलग होता है। ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे उस चीज को। ठीक है, लेकिन ये चीज अलग अलग फंक्शन है, ये मेनली कंप्लीटली इसका एफसीआई का काम क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर राशन का जो पीडीएस सिस्टम है उसको चलाते रहना, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम है। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो ठीक है। तो एफसीआई परचेस फूड ग्रेन्स एंड स्टोर इन द ग्रेन डिस्ट्रिक्ट, दे डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिफिशियंट स्टेट, जहां पे कम होता है वहां पे, उस एरिया में कम होता है वहां पे ज्यादा भेजेंगे, एंड अमॉन्ग द पुअर स्टेट इन सोसाइटी इश्योर प्राइस, मतलब क्या, जिस रेट पे आपको मतलब एक टाइप से राशन शॉप में मतलब एक टाइप से चावल मिलता है या फिर गेहूं मिलता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इश्यू प्राइस, मतलब जो कि कहीं ना कहीं मार्केट से बहुत कम होता है। ठीक है, जिस रेट पे वो इश्यू करेगा वो आपका इश्यू प्राइस हो जाएगा। दिस ऑल्सो हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन, जैसे अभी के टाइम में क्या, इससे क्या शॉर्टेज ऑफ फूड, एक तरह से कंट्री के अंदर क्या है कि जैसे मान लिया पंजाब एरिया वहाँ पर वीट बहुत होता है, ठीक है, लेकिन मान लो राजस्थान हो गया हमारा, ठीक है, या फिर मान लो कि आंध्र प्रदेश हो गया या फिर बंगाल हो गया, तो यहाँ पे क्या वीट प्रोडक्शन कम होता है, चावल ज्यादा होता है यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा बात है, तो सिंपल सा बात है कि अगर जहां पर मान लो वीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो फार्म एफसीआई क्या करेगा कि आप तो जरूरत नहीं है ना कि पंजाब के अंदर वीट को स्टोर करें, बिकॉज फार्म पंजाब के अंदर क्या सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वीट है ही, वो क्या करेगा, सिंपल सा बात है कि बंगाल जहां पे मान लिया जाए कि मान लो कम वीट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, वहां के गोडाउन में स्टोर करवाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जहां पर नीड है वहां पे स्टोर करवाएगा ना। तो वही बात होता है कि जहां पर शॉर्टेज ऑफ फूड होता है वहां पे वो लोग स्टोर करवाता है, फिर वहां पे सप्लाई करवाता है इन द आवर ऑफ नीड। तो फूड प्रोक्योरमेंट बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो एफसीआई जो कि फूड प्रोक्योर करता है वो, ठीक, वो क्या करता है, फिर गवर्नमेंट का सिस्टम होता है पीडीएस, ठीक ना, उसके थ्रू क्या करता है, जो पुअर सेक्शन का पीपल होता है उसको सस्ते रेट पर सप्लाई करता है। राशन शॉप ऑल्सो नॉन एज फेयर प्राइस शॉप, द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक 1940 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमिन। ऐसा नहीं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ही हमारा पीडीएस या फिर ये राशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भी क्या है कि इंडिपेंडेंस पहले भी क्या था कि हमारा राशनिंग का प्रोविजन था, ठीक है, भले इतने बड़े लेवल पर नहीं था लेकिन था। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स इंटीग्रेटेड, उसके गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और भी लिया, क्या मेनली क्या कि लोगों को सफिशियंटली क्वांटिटी में फूड सिक्योरिटी मिल पाए, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिया। एक तो क्या पीडीएस, क्या कि भैया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या अगर लोगों को सस्ते रेट पे अनाज मिल जाए, ठीक है। सेकंड क्या है, हमने डिस्कस किया था मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम में क्या है कि जो लोग कहीं ना कहीं पूरा फैमिली फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनको फूड सिक्योरिटी मिलेगा, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको क्या खाने को मिल रहा है एक टाइम पर, ठीक है, बहुत सारे लोग ले भी आते हैं साथ में, ठीक। तो मेनली क्या मिड डे मील स्कूल से क्या एडुकेशन को, बच्चे स्कूल में आए इसलिए उनका हेल्थ इशू ठीक होगा, इसीलिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, मतलब क्या एक ऑल अराउंड कंप्लीट एक टाइप से स्कीम है, बहुत बहुत सारा फायदा है इसका मिड डे मील स्कीम का। एक गवर्नमेंट स्कीम लेकर निकाला था क्या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है आंगनबाड़ी केंद्र होता है ना, आंगनबाड़ी केंद्र में भी क्या होता है जो नवजात या फिर जो नवजात बच्चे होते हैं जो नवजात बच्चे होते हैं ना वहाँ पे, तो मतलब एक टाइप से इनबॉर्न न्यू बॉर्न 6 मंथ से कम बेबी होते हैं, ठीक ना, वो हो गए हमारे, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना वो जाते हैं वहाँ पे, उनको मतलब कुछ इनकम मतलब मनी दिया जाता है, प्लस कुछ फूड ग्रेन्स दिया जाता है, पका हुआ खाना एक टाइप, ठीक है, या फिर कच्चा खाना राशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप से स्कीम हेल्प करता है किससे, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, वुमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है, इस सब हेल्थ इशू करने में, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए। तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, फूड फॉर वर्क स्कीम, ठीक है। Over the years, several new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience of administrating and programs. So, बहुत सारे programs launch किए government ने, और with the time क्या होता है government program launch करने के बाद बहुत सारी चीज inputs लेती है, learn करती है, फिर उसको restructure करती है, पुराने को बंद करती है, नए को start करती है, ठीक है। और सबसे important जो program government ने आज तक start किया है ना, example जो बोल सकते हैं कि आज के time में जो बहुत helpful है वो है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा 2005 में start हुआ था। तो मिलनी क्या था इसके अंदर क्या कि देखो लोगों के पास फूड इनसिक्योरिटी क्यों है, बिकॉज पॉवर्टी है, पॉवर्टी क्यों है, बिकॉज उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है ज्यादा, ठीक। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था, भैया कि हम आपको गांव के एरिया में, ठीक, हर एडल्ट इंसान को हमारा प्रोविजन है कि हम लोग अगर वो काम करना चाहे तो उसको 100 दिन का एश्योर वर्क मिलेगा, ठीक है, ये उसका राइट टू वर्क है, ठीक, एग्जाम्पल, ठीक है, लीगल राइट है उसका एक टाइप से, ठीक।
इससे क्या होगा उनका अल्टीमेटली, इससे फायदा क्या होगा कि उन लोगों को जॉब्स मिलेगा गांव के अंदर, ठीक है, उससे क्या होता है इनकम आएगा, इनकम होता है पॉवर्टी भी जाएगा और फूड सिक्योरिटी भी उनके पास आएगा, ठीक है, तो इसका ही मल्टीपल फायदा है। हाँ, देर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मोस्टली इन रूरल एरिया, वाइल सम ऑफ द प्रोग्राम सच एज पीडीएस, मिड डे मील एक्सेट्रा आर एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑल्सो इन फूड सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फूड सिक्योरिटी बाई इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। ठीक, एग्जाम्पल ये क्या है कि हमारा अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए दो स्कीम है, कौन कौन सा मेनली है तो बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ इसमें क्या है पीडीएस है और मिड डे मील, ठीक है। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फूड सिक्योरिटी को मतलब इंश्योर करने के लिए क्या है कि भैया आप अगर लोगों का इनकम बढ़ाओगे, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालोगे, ठीक है, तो नेचुरल से बात है पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे तो उनके पास अपने आप फूड सिक्योरिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि आप टारगेट किस पे करो, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, पॉवर्टी से बाहर निकालो कैसे निकालोगे, उनको सफिशियंट इनकम प्रोवाइड करवाओ, इनकम कैसे प्रोवाइड करवाओगे एम्प्लॉयमेंट देके, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करवाओगे मनरेगा टाइप स्कीम से। क्लियर ये चीज यहाँ तक? हेलो, ठीक है, चलो तो फिर गवर्नमेंट क्या किया 2003 के अंदर, ठीक है, 2013 के अंदर, ठीक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया 2013 के अंदर एक एक्ट लाया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया कि 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे, तो ऐसा नहीं कि 80 करोड़ एक टाइप से उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो मैंने क्या 2003 के अंदर 2013 के अंदर, ठीक है, एक्ट बनाया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें ये एक्ट में ये था कि इंडिया के अंदर जो सस्ते रेट में जो अनाज मिलता है ना वो किन किन को मिलेगा, मतलब क्या जो एक टाइप से गाँव के एरिया में जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं ना, ठीक है, वो मतलब वो रूरल एरिया में रहने वाले 75% लोगों को हम सस्ते रेट पर अनाज देंगे, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, कि उनको इस चीज का चिंता नहीं करना पड़ेगा कि वो फूड को अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक, गांव के एरिया में 75% लोग और सिटी एरिया में अर्बन एरिया 50% लोग, ठीक है, मतलब क्या ऑन एन एवरेज हमें इंश्योर करेंगे कि कंट्री के अंदर 66% जो लोग है ना वो फूड सिक्योरिटी के अंदर आ जाए, उनके पास फूड को लेकर कोई चिंता ना रहे, ठीक, उनको सस्ते रेट पर अनाज मिले। क्लियर ये चीज? तो ये चीज 2013 में डिसाइड हो चुका था, जो कि हाल ही फिलहाल में उसी एक्ट के अंदर यूज करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला ना कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देंगे, ये कहीं ना कहीं 66% या 60 जो भी बिलो 70% पॉवर्टी मतलब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। क्लियर ये चीज? नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड इनेबल पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हु हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल हाउसहोल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक, तो मतलब क्या 66% ऑफ द कंट्रीज के लोगों के पास क्या है फूड सिक्योरिटी है बिकॉज गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू उनको सस्ते रेट पे अनाज प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर ये चीज? ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, अब करंट स्टेटस क्या है हमारा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ठीक, इन द बिगनिंग द कवरेज ऑफ पीडीएस वॉज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुअर एंड अनपुअर। स्टार्टिंग में क्या था पीडीएस सबके लिए ओपन था, लेकिन बाद में क्या लगा भैया इसके पीछे खर्चा बहुत हो रहा है प्लस अननेसेसरी भी है ना कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हो सस्ते रेट पे क्यों ले आके, ठीक है, इसलिए बाद में उसको सिर्फ पुअर के लिए डिसाइड कर दिया गया सिर्फ बीपीएल वालों के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टार्टिंग में यूनिवर्सल था लेकिन बाद में गवर्नमेंट को ये लगा कि भैया ये तो वेस्टेज हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी हम क्यों दे सस्ते में, तो गवर्नमेंट ने बाद में क्या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया, इसमें कि जो पुअर एरिया में जो लोग रहते हैं पुअर पीपल जो सिर्फ उन्हीं को फायदा देना है। तो वॉज इंट्रोड्यूस टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज। ठीक, ये सब और भी स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया लाइक अंत्योदय अन्न योजना, जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है, ठीक ना, जो गरीब में भी सबसे गरीब है उनको और सस्ते पे देना, इस टाइप से पुअरेस्ट ऑफ द पुअर उनको देना। जो पीडीएस था स्टार्टिंग में यूनिवर्सल था लेकिन उसको हटा दिया गया, बाद में क्या आया मेरा ये टारगेटेड पीडीएस वाला सिस्टम जो अभी टारगेटेड पीडीएस में चल रहा है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है इसमें कि जो लोग पुअर मतलब 35 kg ऑफ राशन दिया जाता है कि 5 kg हर इसके हिसाब से। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या है जो हाउस होल्ड है उसको 5 kg हर इंसान के हिसाब से मिलेगा, किस रेट पर मिलेगा वो भी लिखा है, रेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, खाली ये याद रखना कि एग्जाम्पल हर पर्सन के साथ कितना मिलेगा, जैसे अंत्योदय अन्न योजना में क्या होता है 35 kg फूड मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली साइज, फैमिली के अंदर 4 लोग है 5 लोग है 8 लोग है मैटर नहीं करता है, 35 किलो सबको मिलेगा। ठीक है, उस फैमिली को पूरे फैमिली को। लेकिन क्या होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी में क्या है कि फैमिली अगर 5 का है तो 25 kg मिलेगा, फैमिली अगर 4 का है तो 20 kg मिलेगा, 6 का है तो 30 kg मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से।
PDS has approved to be the most efficient instrument of government policy over the years in stabilizing price and making food availability to consumer at affordable price. ठीक है, enough PDS के बारे में डिस्कस कर लिया तो आइडिया पता चल गया PDS का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन सेवरल ग्राउंड. तो ऐसा नहीं कि सबको सही है, यहाँ पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है. लाइक एग्जाम्पल, जो लोग राशन शॉप में अनाज दे रहे हैं, ठीक है, तो मेनली क्या होता है, बहुत टाइम क्या होता है, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाई करते हैं, ठीक, उनको जो ऊपर से गवर्नमेंट देता है अनाज उसको मार्केट में भेज देते हैं वो लोग, और पुअर क्वालिटी का अनाज लोगों को देते हैं, पुअर्स को देते हैं, ठीक है. उसके बाद बहुत सारा टाइम क्या होता है कि वो लोग बहाना ब्लैक मार्केटिंग कर देते हैं, बोलते हैं भैया अनाज आया नहीं आपके टाइम का, ठीक है. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन सेवरल ग्राउंड्स. इंस्टेंस ऑफ हंगर आर प्रीवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज. तो क्या है कि हमारे, देखो सबसे अच्छी चीज तो क्या है, हमारे ग्रेनरीज के अंदर क्या है कि विद द टाइम क्या हो रहा है कि बहुत अनाज भरा हुआ है, ठीक ना, गोडाउन में अनाज भरा हुआ है. उसके बाद भी क्या होता है कि हंगर से, पॉवर्टी से लोग और डेथ हो रहा है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, भूख से डेथ हो रहा है, ठीक है. तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं एक आयरनी है. इंस्टेंस ऑफ हंगर आर प्रीवेलेंट डिस्पाइट, मतलब क्या है, हंगरी है, पॉवर्टी है, ठीक है, लोग फूड सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तब भी एक तरफ क्या है गोडाउन के अंदर अनाज सड़ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है लोग भूखे मर रहे हैं. ये भी एक कहीं ना कहीं आरनी है. तो FCI गोडाउन आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेनरीज विद सम रोटिंग अवे एंड सम बीइंग ईटन बाय रैट्स. तो या तो चूहे खा रहे हैं या फिर मतलब वो वेस्टेज हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास इतना अनाज उन्होंने खरीद लेते हैं, वो लोग उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं होता, इसलिए ओपन में उनको रखना पड़ता है. फिर जो बारिश हुआ तो सड़ गया, फिर गोडाउन भी इतना पुअर मैनेज होता है कि मतलब चूहे घूमते रहते हैं, चूहे खा लेते हैं अल्टीमेटली. देखो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जितना बफर रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा वो लोग स्टोर करता है, ठीक है. बफर नॉर्म्स क्या कहता है भैया कि आपको इतना होना चाहिए, ठीक, इस टाइम में. लेकिन क्या देखो कितना गैप है, ये वाला एक्चुअल में कितना है और कितना होना चाहिए. होना चाहिए 411 या है 650, मतलब क्या जितना उनका नॉर्म्स है या फिर जितना डिसाइडेड है कि इतना मिनिमम होना चाहिए माई स्टॉक के अंदर, जिससे कि कोई भी सिचुएशन आता है हम डील कर पाए, उससे ज्यादा लोग खरीद रख लेते हैं. मतलब क्या कि जिनका उनका स्टोरेज कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग खरीद रख लेता है. सिंपल से बात है, स्टोरेज है नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी आपने ज्यादा ले लिया है तो कहाँ रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा गोडाउन के. तो बाहर रखोगे तो क्या होगा, बारिश हुआ, चोरी हुआ, ये सब वो जानवर वहां सब खाएगा ही. फिर अब क्या होता है सब्सिडी. सब्सिडी का कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो गवर्नमेंट अगर ये बोले कि भैया मैं सब्सिडी दे रहा हूँ LPG के ऊपर, ठीक ना, मान लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है सब्सिडी आपको मिलता है, ठीक. अब कॉन्सेप्ट क्या, अभी वो सिस्टम थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है. तो मान लो सब्सिडी का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लिया जाए आज के टाइम में क्या है कि वैक्सीन एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट मान लो सबको फ्री में दे रहा है, तो क्या कर रहा है वो कहीं ना कहीं वैक्सीन के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, क्लियर ये चीज. गवर्नमेंट अगर ये बोल रहा है कि मैं सबको वैक्सीन फ्री में दे रहा हूँ, उसका क्या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहा है लोगों को, ठीक है. ठीक है, अब सब्सिडी काम कैसे करता है, ये रहा मान लिया जाए कि मैं गवर्नमेंट, ठीक, ये रहा वो कंपनी जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब वो कंपनी बोल सकते हो या फिर वो पर्सन, ये मान लो कि ये एक बिजनेस है या फिर कंपनी है, ठीक है, जो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक, प्रोडक्ट मान लो एक्स बना रहा है कुछ, और ये रहा कॉमन मैन उसको खरीद रहा है, ठीक है. अब गवर्नमेंट, अब मान लो कि जो प्रोडक्ट एक्स है वो मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, मान लो 100 रुपए कैडबरी मान लिया जाए, ये इंडस्ट्री का कैडबरी बना रहा है, ठीक है, क्लियर है, कैडबरी का रेट मान लो 100 रुपए, ठीक है. तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ने अगर ये डिसाइड किया कि भैया वैलेंटाइन वीक आने वाला है, ठीक है, मेरा तो पुअर जो मतलब लोग कैसे अफोर्ड करेंगे, एक काम करते हैं हम कि वो लोग भी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए कैडबरी सस्ता कर देते हैं मार्केट में, जिससे कि पुअर लोग भी एक दूसरे दे पाए, ठीक है. अब क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि भैया मैं आपको कैडबरी के ऊपर 40% का सब्सिडी देता हूं, ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा कि ये बंदा जो है, ठीक है, ये जो कॉमन इंसान है, ठीक है, या फिर मान लिया जाए जो ही मान लिया, ठीक है, मजनू, ठीक है, जो हमारे मजनू भैया है, तो ऐसा नहीं कि कैडबरी मार्केट, अगर मार्केट के अंदर कैडबरी का रेट कितना है यहाँ पे मार्केट के अंदर 100 रुपए, ठीक है, समझना, मार्केट में रेट कितना है 100 रुपए, ठीक, गवर्नमेंट 40% का क्या सब्सिडी दे रहा है, ठीक है. अब मार्केट रेट कितना हो जाएगा, 60 रुपए. तो मतलब क्या कि सब्सिडी अनाउंस करने से पहले क्या आता है कि मजनू भैया को कैडबरी कितने मिल रहा था, 100 रुपए मिल रहा था, ठीक है, लेकिन अब कितने मिल रहा है, 60 मिल रहा है, क्लियर. तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है वो ये बोलता है कंपनी को कि भैया आइए कंपनी वाले इधर आइए, ठीक है, कि देखिए हमारे कंट्री के अंदर पुअर मजनू भैया टाइप के लोग भी रहते हैं, तो वो लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे वैलेंटाइन वीक में, तो एक काम करो आप 100 रुपए में आप बेचते हो, आप एक काम 40 रुपए बेचो, 60 रुपए बेचो, बाकी जो 40 रुपए आपका नुकसान हो रहा है ना सब्सिडी मतलब कम रेट में बेचने पे मार्केट के अंदर, तो 40 रुपए मैं आपको देता हूं, ठीक. इन शॉर्ट सब्सिडी का पैसा जो है वो कंपनी को मिलता है, जिससे कंपनी सस्ते रेट में मार्केट में बेच पाए सामान, ना कि पर्सन को मिलता है,
समझ में आया इस एग्जाम्पल से? हेलो, उस तरह जैसे जैसे वैक्सीन है, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया आप जाओ वैक्सीन फ्री में ले लो, ऐसा थोड़ी कंपनी वाला फ्री में मार्केट में उसको वैक्सीन दे रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उस कंपनी को पैसा दे रहा है, ठीक है, क्लियर है, और कंपनी वाला फिर मार्केट में मतलब वैक्सीन दे रहा है सस्ते पे या फिर जो भी रेट पे दे रहा है। तो सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक टू प्रोड्यूसर, क्लियर है ये चीज। हम सब्सिडी क्या होता है, वो पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर को देता है, क्लियर है। सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक टू प्रोड्यूसर, यहाँ पे गड़बड़ी वाले को गवर्नमेंट ने दिया कि भैया उनको सस्ते में दे दो। तो सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो व्हाइल मेंटेनिंग हाईर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को तो करवड़ी वाले को तो 100 का 100 रुपये मिल ही रहा है, ठीक है, 60 रुपये मार्केट से मिल रहा है और पर पीस के साथ 40 रुपये गवर्नमेंट उसको दे रहा है, क्लियर। तो क्या हो रहा है कि करवड़ी के उनको तो 100 रुपये मिल ही रहा है, तो उसके इनकम में तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कंज्यूमर को भी फायदा हो रहा है क्योंकि जो 100 का पहले मिल रहा था उसको अब 40 का मिल रहा है, क्लियर ये चीज। कैन कीप, एक सेकेंड, सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर, हाँ बोलो, हाँ एक तरह बोल सकते, वो डिपेंड करता है कि उसका मार्केट प्राइस क्या, लेकिन देखो बात ये है ना कि मार्केट प्राइस डिपेंड करता है उसका उसके ऊपर, मतलब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, क्योंकि वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल से बात हुआ, मैं नॉर्मली बात क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मिल रहे हैं लोगों को वो उसका बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में अगर गवर्नमेंट वो सब 250 कर दे या फिर 300 कर दे, एक कैप लगा, जैसे कब होगा, जैसे मान लिया जाए, वो पता कब चलेगा, जब वैक्सीन का एमआरपी मार्केट प्राइस पता होगा। अभी तो किसी को वैक्सीन का मार्केट प्राइस पता नहीं है, जैसे मान लो कि एक वैक्सीन है मेरा, ठीक ना, मान लो कोवैक्सीन एग्जाम्पल, ठीक, उसका मार्केट प्राइस क्या है, 1200 रुपये एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हर इंसान को, क्योंकि पुअर पीपल्स वो कर पाए मेरा अफोर्ड कर पाए, इसलिए मैं क्या करूंगा कि 600 रुपये में मैं प्रोवाइड करता हूँ, 600 रुपये में लोगों को वैक्सीन मिलेगा, ठीक है, सब्सिडी देता हूँ मैं 50% का, ठीक। तो अब क्या होगा कि लोग जो जाएंगे 600 में उनको वैक्सीन मिलेगा, लेकिन मार्केट प्राइस कितना उसका, 600 रुपये, 1200 रुपये, ठीक है। तो कंपनी को क्या हो रहा है कि वो 600 कम में बेच रहा है, तो 600 रुपये जो कंपनी को पर वैक्सीन नुकसान हो रहा है, वो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उसको दे रहा है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी दे रहा है। तो मतलब क्या, सब्सिडी का जो पैसा होता है वो प्रोड्यूसर को मिलता है टू कीप द प्राइस लो इन द मार्केट, ठीक है, क्लियर है। सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो, कंज्यूमर प्राइस लो है यहाँ पर सब्सिडी के कारण, आधा रेट में मिल रहा है, व्हाइल मेंटेनिंग हाई इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को तो उतना ही मिल रहा है, क्लियर ये चीज। ठीक है, देखते हैं फिर। तो देयर इज अ सेवरल कंसेशन दैट हायर लेवल ऑफ बफर स्टॉक, इतना वही वेस्टफुल, वही बोला कि नॉर्मली जरूरत से ज्यादा हम लोग स्टॉक कर ले रहे हैं एफसीआई को राउंड के अंदर, तो इसी कारण वेस्टफुल भी हो रहा है हमारा। हाँ, स्टोरेज ऑफ मैसिव फुल स्टॉक हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कैरिंग कॉस्ट, इतना तरह नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप इतना ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगा रहे हो, एमएसपी पे खरीद रहे हो, या फिर आपके ग्राउंड में अगर अनाज सड़ रहा है तो पूरा सब चीज का लॉस है ना। उसका जो प्रोक्योरमेंट होता है, तो जहां जहां मतलब मान लो गवर्नमेंट ये डिसाइड किया कि एफसीआई की मिली क्या खरीद रहा है, वीट और राइस खरीद रहा है, तो नेचुरल बात है जो स्टेट वीट और राइस ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वहीं से खरीदेगा एफसीआई, तो वहीं के फार्मर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा, बाकी एरिया बाकी क्रॉप के ऊपर क्योंकि एमएसपी वो नहीं डिसाइड होता है और एफसीआई उसको ग्राउंड में नहीं स्टोर करता है, इसलिए बाकी फार्मर्स को उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए क्या है, प्रोक्योरमेंट जो एफसीआई के अंदर में होता है, एज द प्रोक्योरमेंट इज कंसेंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट्स, ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी एंड मेनली टू क्रॉप वीट एंड राइस, ऑलरेडी बताया, इनक्रीज इन एमएसपी हैज इंड्यूस फार्मर्स पर्टिकुलर इन सरप्लस स्टेट टू डाइवर्ट, इतना इतना वही चीज है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया कि हम दो क्रॉप पे देंगे, वीट और राइस के ऊपर, तो अब क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहा है कि राइस के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि राइस के ऊपर शिफ्ट होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं राइस का प्रोडक्शन या का तरीका हमारे कंट्री में जो है क्या है कि फ्लडिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब क्या कि आप पूरा खेत में पानी डाल दो पंप से भर के और उसके उसमें राइस लगा दो, ठीक है। इसके हम क्या होता है, कहीं ना कहीं वाटर डिप्लीशन का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया हमारे कंट्री के अंदर। तो ये इंटेंसिव देखो, ये लैंड फ्रॉम द प्रोडक्शन, अब क्या अलग अलग जो क्रॉप्स वगैरह है तो उससे भी लोग क्या हो, क्योंकि उसके ऊपर अब हमारा जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रहा है या एमएसपी प्रोवाइड करवा रहा है गवर्नमेंट किसके ऊपर, वीट और राइस के ऊपर, तो बाकी सब जो प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर ने उनको क्या लगेगा, भैया मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस पर इनकम मिलेगा नहीं मिलेगा, मार्केट क्या होगा, होगा नहीं, इसलिए एक काम करता हूँ गवर्नमेंट एमएसपी दे रहा है वीट और राइस के ऊपर, तो मैं एक काम करता हूँ वीट और राइस ही प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक। वो लोग क्या करेगा कि कुछ और जो चीज जो प्रोड्यूस कर रहा था ना उसे शिफ्ट होगा, कहाँ पे आएगा, मेरा वीट और राइस पे आएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो,
they will divert land from produce of other crops from the to rice and wheat. ठीक है, इसे काम क्या होगा, intensive utilization of water in the cultivation of rice. Rice में बहुत ज्यादा पानी लगता है, ठीक, has also lead to the environment degradation होता है, इसे कारण कि water level formed होता है हमारा कम होता है, ठीक है, तो इसे कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारा एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी है, ठीक ना, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं खतरा है. Rising MSP have raised the maintenance of the cost of procurement, इतना इतना rising transportation, इतना इतना कुछ नहीं है चीज. PDS dealer are sometimes found restoring mal practice, मतलब मैंने बताया कि क्या होता है, PDS dealer जो होता है वो क्या करता है कि मतलब immoral activity में involve हो जाता है, illegal activities में type का, like example वही है कि मतलब अच्छा quality का जो सामान होता है उसको बाहर में बेच देता है, ठीक है, जो poor quality का सामान होता है उसको एक टाइप से अपने सामान में बेचता है, ठीक, गरीब लोगों को एक तरफ से दे देता है और अच्छा क्वालिटी का जो माल होता है वो मार्केट में भेज देता है अच्छे रेट पर, ठीक ना. बहुत बार क्या करता है कि इरेगुलर ओपनिंग, मतलब ठीक टाइम पर दुकान खोलेगा नहीं, ठीक है, ये सब चीज का. अब क्या था, कॉर्पोरेट सोसाइटी का क्या रोल होता है फूड सिक्योरिटी के अंदर, ठीक. तो मेनली कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या होता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी ये होता है कि देखो पीडीएस शॉप के अंदर क्या है कि राशन वाला, उसको लाइसेंस कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है. कॉर्पोरेट सोसाइटी क्या करता है, आपस में मिलके वो लोग, कुछ लोग आपस में मिलके क्या होता है कि सोसाइटी या फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, लाइक एनजीओ बोल सकते हो लेकिन नॉट इन द रियल उस सेंस में, ठीक है, उस टाइप का बना लेते हैं, ठीक. तो वो लोग क्या करते हैं फिर अपना कॉर्पोरेट टाइप का बना के कॉपरेटिव टाइप का, देखो कॉर्पोरेट अलग होता है कॉपरेटिव अलग होता है. जैसे मान लिया गाँव के अंदर मान लो 10 मिल्कमैन रह रहे हैं, ठीक है, दूध वाले रहते हैं, उनको क्या लगता है कि भैया मैं अकेले अकेले दूध बेचता हूँ तो जो इंडस्ट्री खरीदता है मेरे से वो मेरे साथ अच्छे प्राइस मेरे को नहीं देता. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 10 फार्मर एक काम करेगा, अपना एक ग्रुप बना लिया, उसने क्या होगा कि 10 फार्मर्स का जो प्रोडक्शन होगा वो एक साथ डील करेगा किसी भी कॉर्पोरेट्स के साथ, ठीक है, मतलब एक साथ काम करेगा अपना इंटरेस्ट के लिए. तो कॉर्पोरेटिव्स आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल. कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जैसे होता है ना, जैसे अभी क्या है एग्जाम्पल, मान लो कोलकाता में क्या कि वैक्सीन जो प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल मिल रहा है, वो 1200-1000 में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या कुछ सोसाइटीज है, कुछ एनजीओ स्टाइल सोसाइटी, वो क्या काम कर रहे हैं कि भैया वो लोग फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है, ठीक है, अपने लेवल पे जितना उन लोगों से हो पा रहा है, ठीक. उसी टाइप क्या होता है हमारा कॉपरेटिव होता है, वो क्या काम करता है कि वो लोग भी सस्ते रेट पे टाइम टू एनजीओ टाइप का क्या होता है, वो लोग भी सस्ते रेट पे क्या करते हैं या फिर फ्री में लोगों को एक टाइप से प्रोवाइड करवाते हैं. आज के टाइम में क्या है, लॉकडाउन लगा तो गवर्नमेंट तो प्रोवाइड करवा रहा है राशन, लेकिन उसके अलावा क्या है कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि अपने लेवल पे लोगों को राशन प्रोवाइड करवा रहा है. क्लियर ये चीज. द कॉर्पोरेट सोसाइटीज सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल. क्लियर ये चीज. हेलो, ये चैप्टर खत्म हो गया, एक बार देख ले समरी. तो फूड सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन इज इंश्योर्ड इफ ऑल द सिटीजंस हैव इनफ न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय ऑफ एक्सेप्टेबल क्वांटिटी क्वालिटी एंड देयर नो बैरियर फॉर द एक्सेस फूड. वही बोला क्या चीज है कि पहला चीज तो क्या अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए कि वहां पे एक्सेस कर पाए, थर्ड क्या उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक. तो पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन माइट बी फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम, ठीक है, while better off people might also turn insecure due to calamity or disaster. जो लोग well off है, ठीक, वो भी कभी कभी poor में मतलब food insecure हो सकते हैं, like disaster आ गया, मान लो food supply वहाँ पर नहीं हो रहा एरिया में, तो food insecurity आ गया वहाँ पर, ठीक है, pandemic आ गया, food insecurity आ गया. लार्ज सेक्टर के देखो, अगर मान लो आपके पास जैसे अंबानी जी भी, ठीक ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं वो, ठीक, उनके पास मान लो अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी भी है कि दुकान में भी जाकर खरीद सकते हैं अपने बिगोया में, लेकिन मान लिया जाए कि वहां पर कहीं ना कहीं से अगर मान लिया जो फूड आएगा तभी तो बिकेगा, मान लो कि एक्सेसिबल ही नहीं है फूड वहां पे, वहां फूड मटेरियल आ ही नहीं पा रहा एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो मुंबई सिटी हो गया एग्जांपल, ठीक है, वो क्या है कि मुंबई के में रहने वाले लोग क्या है कि फूड को अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना, बिकॉज उनके पास इनफ मनी है, पर कैपिटा इनकम हाई है, ठीक ना, उनके पास दुकान भी है जहां पर सामान जाके खरीद सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी भी है, ठीक, लेकिन मतलब एक टाइप से हाँ अफोर्डेबिलिटी भी है उनके पास, ठीक है, वो बाय भी कर सकते हैं, ठीक, कोई बैरियर भी नहीं है कि सब लोग जाके खरीद सकते हैं दुकान में, कोई बैरियर नहीं, लेकिन अगर मान लिया जाए कल को बाढ़ आता है पूरे मुंबई के आसपास के एरिया में, ठीक है, पूरा गोल मुंबई को घेर लेता है, तो क्या होगा अल्टीमेटली गाँव एरिया से अगर मान लिया जाए वहाँ पर अनाज ना पहुंचे तो क्या होगा, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड नहीं हो पाएगा लोगों के पास, तो वो मुंबई के सारे लोग क्या बन जाएंगे, फूड इनसिक्योर बन जाएंगे. क्लियर इस चीज से. तो मतलब क्या, फूड सिक्योरिटी के लिए इन तीनों चीज का होना जरूरी है. क्लियर ये चीज, एग्जांपल से क्लियर हो गया. हेलो, ठीक है. तो लास्ट सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया. द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पुअर हाउसहोल्ड इन रूरल एरिया एंड पीपल एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर एंगेज इन सीजनल एक्टिविटीज. इतना टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड
टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी द इंडियन गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम। कौन कौन सा स्टेप्स लिया है? बफर स्टॉक को रखना है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इनहेंस करना है, तो वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाया गवर्नमेंट ने, ये सब विंडे विल हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र वैसे चीज, एंड इन एडिशन टू द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी देर आर वेरियस कोऑपरेटिव्स एंड एनजीओज ऑल्सो वर्किंग इंटेंसिवली टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। क्लियर है? तो गवर्नमेंट के अलावा भी क्या है कि अपने लेवल पर एनजीओज फिर जो सिविल सोसाइटीज है वो लोग भी अपने लेवल पर काम कर रहा है कि जिससे कि फूड सिक्योरिटी प्रमोट किया जा सके कंट्री के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा चार चैप्टर था, यहाँ के नाइन क्लास के अंदर चारों चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो क्लास नाइन का हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्लास टेन का हम लोग एनसीईआरटी का करेंगे।